गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इस टाइम आ चुके हैं HCL टेक के रिजल्ट्स। HCL टेक के रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो चलिए HCL टेक के रिजल्ट्स में अगर जो डॉलर रेवेन्यू की बात करी जा रही थी, उसमें ग्रोथ देखने को मिली है 0.9% क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली बेसिस। 2% का अनुमान था कि 2% आ सकते हैं, लेकिन आए 0.9% क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली बेसिस की ग्रोथ। एक ये निराशजनक रहा यह आंकड़ा, और कंपनी के जो रिवेन्यू, कंपनी का जो मार्जिन है, मार्जिन का अनुमान था, कंपनी का जो मार्जिन आ सकता है, अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो ईबिटा मार्जिन था, ईबिटा मार्जिन में अनुमान लगाया जा रहा था कि 16.7 से बढ़ के 19.15 आ सकता है, तो यहाँ पे आंकड़ा निकल के आया है 19.6% का। एक ये वाला आंकड़ा ठीक आया है 19.6% का ईबिटा मार्जिन, और रिवेन्यू में भी 2.2% की बढ़त देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात जो अनुमान और डॉलर इन रिवेन्यू, ये निराशजनक रहा, 2% का अनुमान था, ये आंकड़ा ठीक नहीं आया। और जो गाइडेंस है, जो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए गाइडेंस रखा है, वो रखा है रिवेन्यू एक्सपेक्ट कराया कि डबल डिजिट ग्रोथ आ सकता है, जैसा अनुमान ऑलरेडी लगा के चल रहे थे, तो ये एज पर एक्सपेक्टेशन ही आया है। और मार्जिन रह सकते हैं, अनुमान लगाया जा रहा था 19 से लेके 21%, ये भी एज पर एक्सपेक्टेड आया है। तो जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, रिजल्ट मिले जुले ही रहे हैं, ज़्यादा कोई निराशजनक नहीं है, और मिले जुले ही रिजल्ट रहे हैं इस कंपनी के HCL टेक के, जैसा अनुमान लगा के चल रहा था बाजार। तो एक और कैश की बात कर लेते हैं, कंपनी के पास जो कैश है, और सबसे बड़ी बात कंपनी के पास जो कैश पड़ा है इस टाइम पे 93% नेट प्रॉफिट का 93% कैश पड़ा है इस टाइम पे, एक ये अच्छी बात है। और फ्री कैश फ्लो मतलब 403 मिलियन का कैश पड़ा है HCL टेक के पास, तो एक मिले जुले संकेत हैं। रिजल्ट्स भी काफी खास नहीं रहे, मिले जुले ही रहे, जैसा बाजार अनुमान लगा के चल रहा था। तो HCL टेक के रिजल्ट्स अनुमान के मुताबिक ही मिक्स हैं, के गाइडेंस भी वही है जो बाजार एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहा था, ये गाइडेंस रह सकती है। तो ठीक है, अब बात करते हैं शेयर की, शेयर प्राइस में किस टाइप का तो देखिए, शेयर प्राइस में ऑलरेडी एक जंप देखने को मिला था 991 का, जब इसने ब्रेकआउट दिया था, तो उसके बाद देखिए एक जंप देखने को मिला, और शेयर ने 1040 तक के लेवल दिखाए, और उसके बाद एक डाउन देखने को मिला शेयर में। ऑलरेडी मार्केट को पता था कि शेयर रिजल्ट में थोड़े रिजल्ट बाजार के अकॉर्डिंग ही आ सकते हैं, तो आज कंसोलिडेट करा पूरे दिन शेयर प्राइस, तो एक निराश प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग अगर देखा जाए, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है कल के दिन शेयर में, तो अगेन ये शेयर फिर 960 तक के
160 तक के लेवल दिखा सकता है HCL टेक। तो इसमें अब शॉर्ट टर्म का अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है कल के दिन, क्योंकि बाजार जैसा मान के चल रहा था उसी पे खरा उतरा है, उसी के अकॉर्डिंग मिक्सअप आए हैं रिजल्ट, तो 960 का टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म में अब HCL टेक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।